भाई 2019 जब लगी थी तो यार हमने सोचा था कि यार किंग के अंदर एक गाड़ी आनी चाहिए और वो गाड़ी आई मारुति सुजुकी डिजायर। और उस गाड़ी से यार हमको इतना प्यार हुआ कि यार कई गाड़ियां लेने के बाद भी हम लोग आज तक जो कहीं भी जाते हैं ना वो हम इसी गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि यार ये गाड़ी हमारा पहला प्यार है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम चलाने वाले हैं क्रेजी XYZ यानी यार हमारे प्यारे अमित भाई की सुपर कार। जी हाँ गाइज, हमारे प्यारे क्रेजी XYZ ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर सुपर कार को परचेज किया था। वो थी पोर्शे की सुपर कार, जो एक बेहतरीन सुपर कारों में से एक सुपर कार होती है, और आज उसी को हम चलाकर टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं और उसके कार के सारे फीचर्स और सबको वहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आप सबको पता है गाइज, हर एक इंसान की, हर एक आदमी की गाइज थिंकिंग होती है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक ना एक बार सुपर कार देखे, उसको चलाए और या फिर उसको खरीदे। तो गाइज आज हमें मौका मिला है हमारे प्यारे अमित भाई की ओर से सुपर कार को चलाने का, क्योंकि गाइज वो गाड़ी जब चलती है ना तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और गाइज बहुत ही गुड लुकिंग सुपर कार है और गाइज हमारे सबकी फेवरेट कार है। तो भाई हम लोग जो है हमारे गाँव से करीबन 400 से 450 किलोमीटर यानी कि दूर जाएंगे अमित भाई से मिलने के लिए। हालांकि आधा रास्ता जो है हम लोगों ने तय कर लिया है। हालांकि भाई अमित भाई के पास काफी सारी कार है, उनके अंदर मर्सिडीज है, ओडी है, सफारी है, भाई काफी सारी उनके पास कारें हैं, लेकिन उनमें से एक काफी यूनिक कार है, उसका नाम है पोर्शे। और भाई अभी तो देखना ये होगा कि भाई अमित भाई जो है वो हम लोगों को वहां पर मिलेंगे या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं, तो भाई वो भी काफी सस्पेंस है। तो फटाफट से जाते हैं अमित भाई के घर पे और टेस्ट ड्राइव करते हैं पोर्शे। भाई हम लोग लगभग उनके घर के पास पहुंच चुके हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। और अभी आगे चल के थोड़ा सा उनके जो घर के बाहर है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसी से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई वो है या नहीं, क्योंकि उनका जो काफिला है गाड़ियाँ वगैरह अगर वहाँ रहेगी तो लगेगा कि वो मौजूद है। ठीक है, चलो। तो भाई हम लोग अमित भाई के जस्ट ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं और वही फाटक उनके घर की खुली है, लेकिन गाइस पता नहीं है कि अमित भाई यहां पर है या फिर नहीं है। पहुंच गए। किधर है भाई अमित भाई, किधर गए? वो बैठे वहां पर। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। अरे भाई ये क्या है? राम जी, राम राम। और साहब क्या हाल है? एकदम बढ़िया। आप बताओ क्या प्लानिंग चल रही थी? ओ, यार दुल्हन बन के आए थे। दुल्हन का तो यार टाइम वो चला गया। भाई साहब कैसे हाल है? बिल्कुल बढ़िया। अरे वाह बढ़िया सब। तो भाई फाइनली जो डर था वो निकल गया, क्योंकि अमित भाई हमें, अरे सबसे मिलने दो हमें पहले। एक मिनट, सबसे पहले सुनाओ क्या हाल है। भाई से एक डायलॉग बुलवा देते हैं भैया। यार आपका वो फेमस डायलॉग, आप वीडियो शुरू करते हो तो। हेलो गाइस, ये है एक्सपेरिमेंट किंग और आज के वीडियो, पता नहीं वीडियो हो रही है शूट, मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, लेकिन भाई मेरे को आगे कर दिया गया है तो मैं आगे जब आता हूँ तो गाइस कुछ ना कुछ तो बोलने लग ही जाता हूँ, और मैं जब तक चाहूँ तब तक बोल सकता हूँ। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे कब मैं रुकूं तब जाकर के ये लोग बोलेंगे, लेकिन गाइस मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, गाइस बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ये लोग मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं, कब आए हैं, कब नहीं आए, मतलब अभी आए यहाँ पे तो कहाँ जाके, लेकिन कुछ नहीं बोलने दूंगा गाइस मैं। दिल की धड़कने हमारी शांत बोल रहे हैं, ठीक है गाइस, दिल की धड़कने शांत हो गई है, यही मिल गए गाइस। वोट जरूर देना इस बार के चुनाव में, इनको जिताए, इनको जरूर से जिताना। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? ये खुद ही भाई हम लोग सोच रहे थे कि अमित भाई यहाँ पे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ नहीं चले गए हैं, लेकिन भाई सोचा क्या पता आपका शूट हो यार, इधर उधर करते रहते हो, कॉल कर लेते हैं एक बार। नहीं, कॉल
का फिर वो मजा नहीं होता। कॉल करने में मजा नहीं आता, कॉल करने में तो बड़ा मजा आता है यार। नहीं नहीं नहीं, गाइस नहीं आता, कमेंट में बताओ। सरप्राइज देने में मजा आता है। ये तो मजाक की बात है, पर भाई ऐसे कोई अचानक से मिल जाए ना तो एक मजा जरूर से आ जाता है, और अपने भाई लोग मिल जाए तो और ज्यादा मजा। रानी कहाँ है रानी? ये क्या, ये थोड़ी है, तो यही है ना? ना ये तो कॉन्सेप्ट मॉडल है। ये क्या, कुछ बना रहे हम तगड़ी सी गाड़ी, अलग बना रहे हो? अच्छा अच्छा। तो भाई यहाँ पर अमित भाई एक नया प्रोजेक्ट बना रहे, जिसके अंदर यहाँ पे ब्लैक पर्दे के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट है। अमित भाई खुद ही बना रहे हो आप? लेकिन गाइस ये प्रोजेक्ट के पहिए क्यों है? ये प्रोजेक्ट चलेगा? प्रोजेक्ट कैसे चलेगा भाई? चलना तो प्रोजेक्ट चलना भी चाहिए ना, पहिए वैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नजरें जब से आप आए हो आप कुछ ढूंढ रहे हो। हमें पोर्शे चाहिए बॉक्सटर। अरे यार वो तो पोर्श तो बेच दिया रहा बनने। बेच दी? ये सब मिलके पागल बना रहे हैं। कब? गाइस ब्रेकिंग न्यूज़, कई दिन हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़, अमित भाई की पोर्श है बिक चुकी है। अरे ओवर एक्टिंग बंद करो ये। गाइस एक बात है, ये लोग तो फील्ड में घुस जाते हैं एक्टिंग की उसमें कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, ये है वो है। अरे यही है, सबको दिख रही है भाई यही है। चलो थोड़ा देर बैठते हैं, उसके बाद में गाइस आगे की चीजें करेंगे। पहले भाइयों को थोड़ा नाश्ता पानी करवाते हैं, ठीक है? बड़े दिनों बाद आए हैं तो थोड़ा सा इनका खातिरदारी करते हैं, अंदर बैठते हैं, रामा सम्मा भी कर लेंगे। हमने सोचा नहीं था कि भाई मिल तो जाएंगे। भाई जिनको डर लगता है क्रेजी एक्स वाई से, भाई किसको नहीं, नहीं लगता, आपको क्यों लगता है यार? भाई डर ये था कि भाई अमित भाई जो है घर पे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। फाइनली अमित भाई हम सब के सामने है भाई। और नहीं गाइस नहीं मिला, मैं इनको एडिट करके डाल रही हूं। और आपके सामने भी है, देख लो मेरी पीएनजी में फोटो बना रखी है, उस फोटो किसी और पे मेरा फेस लगा रखा और तब जाके वीडियो बना रहे हैं। हां डीप फेक वीडियो बन रही है। तो भाई जैसे हम लोगों ने दरवाजे के अंदर एंट्री की और भाई वहां पर अमित भाई बैठे दिखे तो भाई दिल खुश हो गया और मजा आ गया। बिल्कुल भाई, अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उसके बाद में जो अपनी चीज है वो फिर करेंगे। इनको नहीं पता भी क्या चीज है, नहीं पता ना, लेकिन अपने ऑडियंस को पता है, वो वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हो ना? कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। गाइस किस चीज का वेट कर रहे हो आप? नहीं नहीं आपको नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। प्रैंक व्रैंक करोगे? नहीं नहीं प्रैंक बिल्कुल नहीं, प्रैंक करते ही रहते हो आप। लेकिन आज प्रैंक नहीं है, नया कोई मॉडर्न भिखारी विकारी तो नहीं आता कि हम यहाँ बैठे हैं, अब नया वर्जन आ गया बाहर से, युगांडा का भिखारी है, युगांडा विदेशी भिखारी, पहली बार भारत में सिर्फ एक्सपेरिमेंट किंग पर। नहीं यार बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा भाई सभी से मिलके, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने आज इनको एक स्पेशल चीज खिलाई है, क्या चीज है भाई? अदरक वाली है ये, अदरक पाक है भाई। भाई कई आपने कभी खाई हो तो बताना जरूर, और भाई कमेंट करना, क्योंकि हमने तो आज पहली बार टेस्ट की है अलवर की फेमस। अमित भाई बता रहे थे अलवर की फेमस अदरक पाक की मिठाई, अदरक से बनती है, मतलब जैसे गाजर पाक होता है ना, जो गाजर से बनता है, ये गाजर पाक है, ये अदरक पाक है, और ये अलवर का कलाकंद है गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, अदरक जो है नॉर्मली आपने सुना होगा चायों में डलती है, मसाले में यूज होती है, लेकिन मिठाई में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ भाई मैं। अच्छा ये बताओ आपको कचौरी कैसी लगी यहाँ की? अरे कचौरी वो जबरदस्ती यार, यहाँ की जो कचौड़ी है ना वो वास्तव में बहुत टेस्टी बनती है भाई, मतलब मैं खुद बोर नहीं होता यहाँ की खा खा के, तो मैंने भाइयों को खिलाई। बिल्कुल भाई, एक कचौड़ी खाई थी हमने, दूसरी ऑटोमेटिक ले ली, और एक वो समोसा, वो भी वाकई में काफी टेस्टी था। समोसे खा लिए, मिठाई खा ली, ब्रेकफास्ट हो गया, खजूर खा लिए, और क्या केले खा लिए। अरे भाई यहाँ पर जो पड़ा था सब खा लिए। आ तो भाई अमित भाई दिवाली के राम राम आपको बहुत सारे, काफी टाइम हो गया है अमित भाई, राम राम। और गाइस ये दूसरी बार राम राम हो रही है, क्योंकि एक बार तो हो चुकी है, अब फुटेज मतलब वीडियो के लिए दोबारा हो रही है। तो गाइस शूट में ऐसे ही होता है, और उस चीज में मजा भी बहुत सारा आता है। बाकी भाई लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लगा भाई, सभी से मिलके बहुत मजा आ गया। अरे उस वो जो बाहर पटाखा था ना, उसको ढक्के क्यों रखा है? क्यों रखा है उस पटाखे को, क्या हो गया? अरे वो तो ढक्के रहता है यार, वो पटाखा जो है लाल पटाखा ढक्के रखा, फटता नहीं है वो। अच्छा वो चलता है, जब नहीं चलता तो ढक के रखना पड़ता है। अच्छा जिससे रॉकेट बनती है, सेफ बहुत प्रेम से रखना पड़ता है, बहुत प्यार से रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हमारी नजरें उस पे ही है साहब, नजरें हैं आपकी गाड़ी, तो आपको नजर रखने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी है, देखो निहारो जो करना करो। तो उसका जो पर्दा है हटाओ और उसको बाहर निकालो यार, चलो 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 ठीक है। पोर्शे क्रेजी एक्स वाई जे, एक काम करो पर्दा हटा दो भाई।
गाइस अभी चावी लाने का इंतजार हो रहा है और इसलिए हम लोग खड़े हैं। लेकिन गाइस तब तक आपको एक बहुत ही खास और स्पेशल चीज दिखाता हूँ, वो है ये यहाँ लिखा है गाइस जय हिंद, और ये है सबसे सबसे खूबसूरत पार्ट इस पूरी गाड़ी का, ये वाला है बिल्कुल। और उसके बाद जो सेकंड खूबसूरत है वो वहाँ साइड में लिखा हुआ गाइस दरवाजे पे क्रेजी एक्स वाई जी, क्रेजी एक्स वाई जी अपनी पूरी आर्मी। बैठ जाऊं भाई? बिल्कुल साहब, बैठो ना। तो भाई फाइनली जो है यहाँ पर पोर्शे रेडी है मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, और अब करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। भाई एक नंबर फीलिंग आ रही है भाई, फर्स्ट टाइम जो पोर्शे है वो चला रहे हैं। से जो है फर्स्ट टाइम चला रहे हैं और भाई फुल्ली ऑटोमेटिक है, यानी कि बिल्कुल जो ड्राइवर है फ्री है भाई, सीट बेल्ट लगा ले एक बार। गुड्डू कैसी फील हो रही है भाई? फील यार तेरे को पता ही है फर्स्ट टाइम पोर्शे चलाते हैं भाई, फील बता नहीं सकते भाई, फील को सिर्फ भाई मैं महसूस कर सकता हूँ भाई पोर्शे। भाई ये देखो खुला आसमान, तो गाइस थोड़ा एक्सीलेट करते ही गाड़ी भाई रॉकेट बनती बूम की तरह। दिनेश रेडी? रेडी। वन टू थ्री। अरे धीरे 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 कर ले धीरे धीरे। तो भाई गुड्डू भाई ने यहाँ पर फोर्स चला ली है और गाइस अब आती है मेरी बारी। भाई इतना एक्साइटमेंट है और भाई थोड़ा थोड़ा कलेजा धक धक कर रहा है क्योंकि गाइस पहली बार स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं। तो भाई अब आए हैं अपने दिनेश जी, और दिनेश जी ये बैठे अपनी पोर्शे के अंदर। यहाँ पर अब मैं पोर्शे को लाता हूँ ड्राइव मोड पे, ब्रेक दबाकर रखना पड़ता है, ये आ गई। और भाई जो ही छोड़ते हैं ये लो क्या हॉर्न है, क्या फील है भाई। एक बात बताऊं भाई, जो इधर की साइड बैठते है ना उसके तो मतलब पूरे रास्ते के अंदर गुदगुदी चलती रहती है पेट के अंदर। तो भाई अब हमारी कन्वर्टेबल कार के अंदर हम ये जो रूफ है ना उसको ऑफ करते हैं, यहाँ से बटन होता है वो दबाए रखना पड़ता है। हाँ। धीरे 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 गाइस आ रही है ऊपर। ये लो गाइस अपनी जो रूफ है वो बंद हो चुकी है। भाई गाड़ी चलाई है और भाई गाड़ी इतनी रिलायबल, और गाइज यू थोड़ा एक्सलेट करो और गाइज रॉकेट बनती, वाकई में गाड़ी चलाने में मजा आ गया भाई। और भाई अब मेरा और शिवराज का टर्न है, हम भी ट्राई कर लेते हैं कि भाई कैसी क्या चलती है। विशाल एक काम कर, तू पहले तू चला, उसके बाद में लास्ट में मैं तगड़ी खींचूंगा इसको, ठीक है? बैठ 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 बैठ। भाई इसको थोड़ा सा एक्सलेट करने से ये बिल्कुल रॉकेट बन रही है भाई, क्या गाड़ी है। और इसकी भाई अभी कीमत है 2 खोके, यानी कि 2 करोड़ रुपए है ना। बिल्कुल भाई इसका एनालॉग देखो, इसकी एसी का वो जो डिजाइन है वो देखो, डैशबोर्ड बिल्कुल पूरी तरीके से अलग, पूरा कंफर्टेबल। भाई मेरे पैर बहुत लंबे हैं फिर भी मैं बहुत आराम से रिलायबल तरीके से बैठा हूँ।
भाई जहाँ पर थोड़े से स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल अच्छे से निकालना पड़ता है इसको। अब भाई विशाल चेंज हो जाएगा और अब इस घोड़े को खींचूंगा मैं। बैठ बैठ बैठ। अरे भाई बहुत खींचता है भाई, चक्र से पीछे फील होता है कोई धक्का पीछे दे रहा है। सुपर कार लोग इसीलिए लेते हैं, मुझे लगता है खींचने की स्पीड है ना, उसी वजह से लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं भाई। भाई साहब यार हमारी आर्मी भी एक सुपर कार तो चाहती है, चाहती है ना? चाहती है बहुत भाई। कमेंट करो कि कौन सी सुपर कार हमारी अगली गाड़ी हो, बताओ यार। एक्सपेरिमेंट किंग आर्मी के लिए जो किंग की फौज है ना, उनको कौन सी सुपर कार चाहिए? खींच ले, अब कोई जंप नहीं है। खींचो, खींच भाई। ये 2-3-4 सेकंड के अंदर तो 100 टच कर जाती है, और मैंने भाई ऐसा एक्सपीरियंस तो भाई किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं करा है। ये मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया है, ये देख। हाँ, कितने सेकंड में स्पीड जाएगी? हाँ ये 13 है। हाँ, फुल प्रेस। चली गई भाई, मतलब 3-4 सेकंड के अंदर तो 100 भाई। ये 0 से 100 जब जाती है ना तो चक्कर से आने लगते हैं, और पता नहीं वो किस कारण से, जी फोर्स के कारण से आते हैं या फिर पता नहीं किस कारण से आते हैं, लेकिन भाई मजा आ गया यार। तो भाई अपनी रानी को हमने 1 by 1 हमने टेस्ट किया है, और भाई क्या गाड़ी चलती है। एक्सलेट करने से भाई जी है ना वो यहाँ पर गले में आ जाता है भाई। तो भाई इसको जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है भाई बता नहीं सकते वर्ड्स के अंदर। तो भाई अब इस वीडियो को भाई कंप्लीट ही अमित भाई करेंगे, अमित भाई को ही खत्म करना है आज का वीडियो। तो अमित भाई प्लीज खत्म कीजिए। तो भाई ये लोग अपना चैनल मुझे सौंप के जा रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आईडी पासवर्ड लिख दो। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये गाड़ी 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 हमें दे दो, एक काम करो बस, चलिए सारा सामान आप रख लो। अरे नहीं यार। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा, और भाईयों ने गाड़ी चलाई, इनको कैसी लगी आप अपने आप बता दो। अरे बहुत एक नंबर लगी गाड़ी। गाड़ी के अंदर बैठने से ये फील होता है जैसे रॉकेट के अंदर बैठ चुके भाई हम लोग। बाकी भाई इतना दूर से भाई लोग आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और आप इतना दूर से आए हो इसके लिए थैंक यू वेरी मच आपको भी, है ना। और आप सब लोगों को भी थैंक यू वेरी मच। गाइज ऐसे ही अपना प्यार जो है वो बनाए रखिए, साथ देते रहिए। बहुत दूर तक जाना है, बहुत लंबा जाना है। आप लोग भी जो है भाई उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कोई ऐसी स्पोर्ट्स कार खरीदेंगे। आपका और इन लोगों का सपोर्ट, पूछो भाई कौन सी लेनी चाहिए, एक बार कमेंट करो। तो भाई आप लोग कमेंट कर दो कि हमें कौन सी कार सुपर कार है जो लेनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ गाइस, बता दो। और भाई पूरी बाकी क्रेजी आर्मी और क्रेजी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी से मिलके काफी अच्छा लगा, है ना भाई लोग? नहीं, आज का जो दिन था इट वाज अ फन डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।